तो कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आप लोगों का स्वागत तो है हमारे चैनल सुमित स्टॉक मैजिक में। बट आज कुछ ऐसा हुआ, आप लोग जानते हो, आज मार्केट सडनली क्रैश हुआ, हमारा निफ्टी एकदम से क्रैश हुआ। उसके पीछे की क्या वजह थी? न्यूज़ बेस था कुछ कि US मार्केट भी डाउन गए, उनके वहाँ के कुछ रेट वगैरह कम हुए एक्सेट्रा। हम इतना नहीं देखते, हमें पता है कि एक रेसिस्टेंस था 16,000 का, वो क्रॉस नहीं हुआ। अब देखो, उसके चलते हुए आज मेरा बहुत हैवी लॉस हुआ है और सोचा आप लोगों को भी ये सिखाया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो आप लोग कहीं ना कहीं अपना रिस्क मैनेजमेंट और इमोशंस अपने आप के कैसे कंट्रोल करते हैं, आप लोग वो सब चीज़ें सीखोगे। अब सीखोगे कैसे? आप सबसे पहले लॉस देखो यार, लाइव। सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ ये क्या है। मैंने इसके अंदर क्या करा, DLF का आज एक ऑप्शन उठा लिया। सबसे बड़ी गलती मेरी क्या हुई, आप लोग लॉजिक समझो, ऑप्शन के अंदर बहुत खतरनाक मामला होता है। बट इक्विटी में हम हैं ही बहुत बेस्ट है, हमें कोई नहीं हरा सकता, ओपन चैलेंज है मेरी साइड से, 1 vs 1। बट सोचा ऑप्शन के अंदर भी मेहनत करी जाए और कुछ और बेहतर हो जाए, जिससे कि स्टूडेंट वगैरह कम कैपिटल वालों का भला हो जाए। मैं वहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर फ्री कॉल्स वगैरह, आपको पता है, एस्कॉर्ट वगैरह दी, सब टारगेट अचीव हुई। बट आज मेरी किस्मत ख़राब थी भाई, कभी कभी शेर भी फंस जाता है कुत्तों के जाल में, समझते हो ना, वाला डायलॉग सुना भी हुआ। तो आज क्या हुआ, मार्केट सडनली क्रैश हुआ, मेरा रिस्क रिवॉर्ड तक क्लिक नहीं हो पाया। अगर मैं अपनी कैपिटल का 1 या 2% का रिस्क लेता हूँ ना, या फिर 0.5% ऑप्शन के अंदर, तो आज पता नहीं क्या हुआ, आज मेरे साथ सब कुछ उल्टा हुआ। उल्टा मतलब आज ना मेरा ब्रोकर ने मेरा साथ दिया, किसी ने भी कोई साथ नहीं। आज मैं अपने इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाया और हैवी लॉस लगा, लगभग 96,000 का इसमें मैंने बुक करा है DLF के अंदर लॉस। काफ़ी ह्यूज लॉस है, मेरी लाइफ का बिगेस्ट है। इससे पहले मैंने आज तक 30-40 हज़ार का हाईएस्ट गया था। बट सोचा क्यों समझाना जरूरी है आप लोगों को, जिससे आप लोग समझो कि इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। आज मैंने स्टॉप लॉस की रेस्पेक्ट नहीं करी मार्केट ने मुझे, समझ रहे हो ना, आज क्या करा, ये सिखा दिया कि भाई स्टॉप लॉस को हमेशा फॉलो करो। तो मैं आप लोगों को यही सब समझाता हूँ कि भाई स्टॉप लॉस को हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो आई होप इस वाले पार्ट में आपको ये समझ में आ गया होगा कि लॉस को आपको हमेशा जितना जल्दी हो सके कम में एग्जिट करना चाहिए। सबसे पहला इक्विटी कॉल लो, मैं आपको जो सिखाने के लिए बोला था सिखाऊंगा, इक्विटी के अंदर ही फोकस करो। दूसरा, अगर आप लोग ऑप्शन वगैरह करते हो तो आपको प्रीमियम वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। तीसरा, इंडेक्स ट्रेडिंग कभी मत करना, वहाँ पर विनिंग रेशियो 4-5% है, बाकी 95% का वहाँ कत्लेआम कतल होता है। बाकी अगले पार्ट में आप लोग देखोगे, मैंने लाइव ऑपरेटर की चाल आपको दिखाता हूँ कि ऑपरेटर को कैसे पता चली हमारे DLF के अंदर बाइंग हुई और कैसे उसने एक लाइव पब्लिक को कैसे लूटा, एक ऑप्शन में आप वो लोग देखिए। अभी जस्ट एक लर्निंग वीडियो है, आप लोग देखना। अभी लाइव ग्रेनुअल्स का शेयर है, देखो अभी क्या हुआ, ये लगभग बहुत ऊपर गया, आप लोग देख पा रहे होंगे लाइन में, कि अभी 1:30 बजे के आसपास 348 टच कर दिया। और देखो एकदम से कितनी भयंकर सेलिंग आई, मतलब जैसे रिटेल कम्युनिटी ने ऊपर के लेवल पे बाय करा ना ये शेयर, तो आप देखो कितना भयंकर इसमें इंट्राडे के अंदर बाय के बाद ऑपरेटर ने लोगों को काटना चालू कर दिया। देखो स्टॉक को कितनी तेज़ी से नीचे गिराया, देख रहे हो कितने लाखों की सेलिंग करी जा रही है। इसे कहते हैं ऑपरेटर कैसे आपकी मूवमेंट पहचान लेता है और कैसे वो ट्रैप कर देता है आप लोगों को। बाकी एक एग्जांपल ये देखो, सोचो जिसने भी ऑप्शन लिया होगा बाई चांस गलती से, बेचारे ने, नए आदमी ने, कि भाई अब उड़ेगा 12 या 13 पर ले लेते हैं, ठीक है, उस बेचारे का एक बार लॉस कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, उसका पैसा यहाँ पर आधा रह गया। अब आप इसी बात से समझो कि मार्केट के अंदर कैसे धोखा देता है ऑपरेटर कभी कभी। तो ये कुछ चीज़ें ऑप्शन के अंदर हो या शेयर के अंदर, देखो लाइव अभी बेचारा ऑप्शन 12.75 से एकदम से क्रैश हुआ, मौका भी नहीं दिया रिटेल कम्युनिटी को, ना बायर दिया, और लाकर खड़ा कर दिया 9 के आसपास 8 के आसपास, हो गया इंसान का लॉस। जो बंदा 20 से 22 हज़ार की कैपिटल लेकर आया होगा, उसका 3 से 4 हज़ार का नुकसान हो गया सेकंडों के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें आज मैंने इसके ऊपर बहुत फोकस करा, आप लोगों को ये लॉजिक समझाऊं कि आपको बहुत सावधानी से कैसे काम करना है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं आपको बता चुका हूं कि अब आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप भी मतलब ट्रेडिंग में अच्छे हो जाओ, या फिर आप इन्वेस्टिंग करते हो, आपको क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ज़रूर सुनना। तो सबसे पहले तो आप लोगों को अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपने कैपिटल का ये चीज़ करना है, प्लीज़ आज नहीं तो आप लोग करोगे भैया, वरना मार्केट बाहर फेंक देगा। मैं आप लोगों को फिर से समझा रहा हूँ, मार्केट से बहस मत करो। यहाँ DM, SSP, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं चलता है यहाँ पर, स्टॉक मार्केट सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको पैसा देना चाहती, मतलब जानती है ना रातों रात, तो लेना भी जानती है। 90% लोग इससे क्यों नहीं कमा पाते, क्योंकि वो इसकी रेस्पेक्ट नहीं करते। तो ऑलवेज रेस्पेक्ट योर स्टॉप लॉस। देखो अब एक बात समझाओ, ये रिवॉर्ड जो है ये क्यों होता है भाई, आप अपना रिस्क कम रखो ना, रिस्क रिवॉर्ड अपना अच्छा रखो।
तो ये कुछ चीज़ें आप मेंटेन करो। अब भाई आपका रिस्क रिवॉर्ड ही जीरो होगा तो आप प्रॉफिट क्या करोगे? अब देखो धीरे धीरे अपने रिस्क को कम करो, स्टॉप लॉस ट्रेल करो। सबसे मेन चीज़ है स्टॉप लॉस ट्रेल, प्लीज़ उसके ऊपर आप सब लोग फोकस ज़रूर करना। मेरी आज यही गलती हुई थी, मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं कर पाया। और दूसरा, आज आप स्टॉक का एक बग हो ही गया था भाई, तो मैं क्या बोलूँ। तो मेरा भी रिस्क रिवॉर्ड आज बिखरा और मैं भी उसके साथ एक अच्छा खासा लॉस मार्केट को दे कर आया हूँ। तो आज ऑपरेटर के जाल में मैं फंस चुका हूँ बहुत बुरी तरह, मतलब आज के दिन फंस गया। उसके बाद मैंने 7,000 की अर्निंग भी कर ली थी, रिकवरी भी एक, बट कहीं ना कहीं वो मेरी रिकवरी से मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ग्रो हुआ। बट जो मैं अपने पिछले एक दो वीक से अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा था, आप लोगों को लाइव अपना मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाया था, बट उस पर हल्का सा इफेक्ट पड़ा ना भाई। अगर मैंने जितना भी कमाया 4 से 5 महीने में, उसका मेरा ये 10-15 दिन के ट्रेड के पैसे ले गया ना, तो मैं 10-15 दिन पीछे हो गया। शायद अगर मेरा आज स्टॉप लॉस टाइट होता तो मैं आज इस जाल से मैं निकल जाता, समझ रहे हो ना। बट मेरे साथ क्या गेम हुआ मैं आपको दिखाता हूँ, आज ऑपरेटर ने क्या बड़ा गेम खेल दिया। तो देखो ऑपरेटर बहुत बड़ा ट्रैप करता है, उससे आपको हमेशा बचकर चलना है भाई। आप देख सकते हो, मैं आपको अपनी ट्रेड एनालिसिस करके बताता हूँ। आप ये लगा लो मैंने इसी रेंज के आसपास ऑप्शन बाय करा था, उसके बाद मुझे बायर नहीं मिला। अगर आप लोग देखोगे ना मेरा 300 CE, मैं इसमें बायर मुझे मिला ही नहीं है, लगातार फॉल हो रहा था हर सेकंड के अंदर। मैंने सोचा यहाँ काटूंगा, यहाँ ऑर्डर लाऊं, नहीं हुआ, यहाँ खींचा नहीं ला पाया, तब जाकर मेरा एंड में यहाँ के आसपास कटा, जब मैंने देखा इसकी उम्मीदें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो भाई कुछ गलती आज मुझसे हुई, इस गलती से मैं आप लोगों को फिर से यही सिखा रहा हूँ कि आप लोगों को लर्निंग मिले और कुछ ऐसे पॉइंट जो आप लोगों को हमेशा याद करने चाहिए। काफ़ी सारे बोलेंगे कि सर आप अपना प्रॉफिट भी नहीं दिखाते हो। मैं आपको प्रॉफिट नहीं दिखाता क्योंकि मुझे कोई शो ऑफ नहीं करना। प्रॉफिट जितना होता है उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बस लॉस से आपको सीखने को मिलेगा, मेरे हिसाब से प्रॉफिट से ज़्यादा इंसान को लॉस से सीखने को मिलता है। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना कि अब तक आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा, और आपको क्या लगता है लॉस से सीखने को मिलता है या प्रॉफिट दिखाने से किसी बंदे को। क्योंकि प्रॉफिट तो हर बंदा करता है ना, बट सब लोग धोखाधड़ी करते हैं ना, अपना PNL कोई नहीं दिखाएगा, होंगे वो लॉस में बट आपको अच्छा दिखाएंगे। तो देखो मेरा आज जो लॉस हुआ, मैंने आप लोगों को आज तक अपना प्रॉफिट नहीं दिखाया, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाया था, बट कभी आज तक प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट नहीं डाले। बट आज मैंने लॉस का क्यों डाला, जिससे कि आप लोग ये गलती ना करो ऑप्शन के अंदर, और जिससे आप लोग भी बेहतर सीख सको। बाकी अब तक अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को कर रहे हो मिस। क्योंकि देखो जो लॉस हुआ होता है सबके साथ होता है, 100 में से 1 ट्रेड सबकी गलत जाती है। दूसरा मेरी गलती थी, मैंने ऑप्शन के अंदर ट्राई करा, वहाँ मेरा लॉस हुआ। बट इक्विटी के अंदर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट कॉल देता हूँ, 1 से 2 दिन के अंदर 5 से 10% का रिटर्न आपको मिलेगा ओपन चैलेंज के साथ। जाओ इसे जाकर जरूर ज्वाइन करो, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या टेलीग्राम पे जाना सुमित स्टॉक मैजिक को सर्च करना, देन ज्वाइन कर लेना। और वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू, जय हिंद।